तो वहीं मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां भोपाल समेत 35 जिलों में बारिश का कोटा लगभग फुल हो चुका है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 40.4 इंच बारिश दर्ज की गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं बारिश के मामले में अगर देखा जाए तो अभी रीवा जिला सबसे पीछे माना जा रहा है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्योपुर में दोगुनी यानी कि 195% और रीवा में 24 इंच ही पानी गिरा है। वहीं भोपाल समेत 35 जिलों में बारिश का कोटा लगभग फुल माना जा रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से 16 और 17 सितंबर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से लगातार ये चेतावनी जारी की जा रही है। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 40.4 इंच बारिश दर्ज की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मॉनसून जिस तरीके से एक्टिव था उस हिसाब से बारिश के मामले सबसे कम रीवा जिले में देखे गए हैं। श्योपुर में दोगुनी बारिश हुई है 195%, और रीवा में सिर्फ 24 इंच ही पानी गिरा है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौसम विभाग का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 35 जिलों में लगभग पूरी तरह से जो बारिश का सिस्टम था वो अब थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अब तक प्रदेश में 40.4 इंच बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 और 17 सितंबर के बाद एक बार फिर से ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। और अगर किसी जिले की बात करें तो रीवा जिले में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है, जो कि 24 इंच ही पानी वहां पर गिरा है। भोपाल समेत 35 जिलों में बारिश का कोटा लगभग फुल माना जा रहा है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि 16 और 17 सितंबर से एक बार फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो सकता है। मौसम विभाग की ओर से लगातार ये चेतावनी जारी की जा रही है।